चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग इट्स। तो अपनी ज्वेलरी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगी। तो सब ज्वेलरी कलेक्शन तो आपके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि उसे अगर करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं कुछ जो मेरा फेवरेट ज्वेलरीज है और ईयर रिंग कलेक्शन है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो पहले जो मैं ईयर रिंग आपको दिखाऊंगी, जो मैंने अभी पहनी हुई हूँ, आप देख सकते हो, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। किसी भी तरीके की इंडियन ड्रेस के साथ आप ये पहन सकोगे, और ये बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हो। इसको मैंने ख़रीदा था लोकार्ट मार्केट से, वो करीब 150 रुपीज़ पे। ओके, सो नेक्स्ट जो ईयर रिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये ईयर रिंग, देख सकते हो कितनी खूबसूरत है ईयर रिंग। और इसको आप कोई भी साड़ी के साथ, और अगर आप कोई भी सलवार कमीज और इंडियन ड्रेस के साथ इसको अगर आप पहनोगे तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे ये स्पेशली साड़ी के साथ पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर आप लोग को पिक्चर भी दिखा दूँगी। हर जो ईयर रिंग है वो है ए ईयर रिंग भी बहुत ट्रेंडिंग में है। देशा मूवी में कियारा आडवाणी भी ऐसे ईयर रिंग पहनी थी, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत सी ए ईयर रिंग है। ओ सॉरी, मैंने ना पिछले वाले ईयर रिंग की प्राइस बोलना भूल गई थी। तो इसका प्राइस था 300, तो मैंने इसको 250 रुपीज़ पर ख़रीदा था मार्केट से। और ये ईयर रिंग भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। अगर आप इसको पहनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पहने हो या नहीं, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। और जब आप इसको पहनोगे ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और तो मैं इसको थोड़ा सा पहन के दिखाती, तो देखिए। सो लास्ट जो ईयर रिंग मैं आपके साथ फोर्थ जो ईयर रिंग आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये ईयर रिंग। सबसे ज़्यादा लाइट वेटेड ईयर रिंग है मेरा, मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर आप इसको पहनोगे ना, ये दिखने में लगता है कि ये थोड़ा हेवी होगा, बट ये बिल्कुल भी ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप क्या पहने हो। सो हाँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट ईयर रिंग में से एक है। पर ईयर रिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और फिफ्थ जो ईयर रिंग है वो है ये एकदम छोटू सा ईयर रिंग है ये। ओह सॉरी, मैंने प्राइस बोलना फिर से भूल गई थी मैं। तो इसका प्राइस थी कुछ 150 रुपीज़ का, मैंने इसको 120 रुपीज़ में ख़रीदा था लोकल मार्केट से। मुझे ना ईयर रिंग ज्वेलरी वगैरह वो ऑनलाइन में ख़रीदना थोड़ा पसंद नहीं है, मुझे देख के फिर ट्राई करके मुझे ख़रीदना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए मैं ज्वेलरी जब भी ख़रीदती हूँ ना तो मैं लोकल मार्केट से ही ख़रीदती हूँ। सो ए ईयर रिंग देख सकते हो आप, एकदम छोटा सा ईयर रिंग है, और मैंने अपने सूट के साथ मैं पहनती हूँ, जो इंडियन कुर्तीज वगैरह होता है उसके साथ पहनती हूँ, बहुत खूबसूरत लगती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। रुकिए, मैं भी इसको भी पहन के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो लास्ट जो ईयर रिंग है वो है ए ईयर रिंग। ये मैंने कुछ अराउंड 60 रुपीज़ का ख़रीदा था। तो इसके साथ एक ज्वेलरी भी था, नेकलेस भी था, वो गुम गया, मुझे नहीं मिल रहा वो किधर है। तो हाँ, तो मैंने जो भी सारे ज्वेलरी आज दिखाई है वो सभी लाइट वेटेड है, लेकिन उसके हिसाब से ये थोड़ा हेवी है, और बाकी सभी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। ये भी लाइट वेटेड ही है, लेकिन जो सब ईयर रिंग मैंने आपको दिखाया है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा हेवी है। अगर आप इसको पहनोगे ना थोड़ा सा हेवी आपको लगेगा। तो हाँ, तो यही सब था आज मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, जितने भी मैं आप सबको दिखा सकी हूँ, और भी बहुत सारे हैं, मैं सब आज आपको नहीं दिखा सकूँगी, क्योंकि और ज़्यादा दिखाऊँगे तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बोरिंग हो जाएगा। सो ठीक है, मैं फिर एक इसके पार्ट टू बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा ईयर रिंग आपको ज़्यादा पसंद आई। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल।